गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक आर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, ये हमारा पेंटिंग रूम है और आज मैं आपको इस पेंटिंग रूम की सैर कराने जा रही हूँ। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय, ये हमारी प्रेरणा मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। ओके, ये आपका पेंटिंग रूम है, हाँ जी, एक बार मैं एग्जीबिशन ले सकती हूँ इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, ओके, श्योर। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, ये हमारे बच्चों ने बनाए हुए हैं। मैम प्लीज एक बार थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगी, कैसी कैसी है ये? मुझे तो ये नहीं फैक्ट आता। जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग चलता है उसी जी में हमारा बच्चों ने काम करा है सभी कुछ। ओके जी जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जनरल बिपिन रावत के बारे में बच्चों ने ये पूरा हमारा मतलब एकदम बच्चे ने बिल्कुल डिट्टो उतारा है। और ये ओके हमने सीबीएसई में भी भेजा था अपना, जी इसी के अकॉर्डिंग। ये हमारी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि फैल्कन है कोर्स में, 12th क्लास में ओके वो बना रखा है बच्चों ने। कुछ इंस्पिरेशन आर्ट है उनके बारे में भी काफी अच्छा बच्चों ने कर रखा है। तो ये सारी एज ए कोर्स ही हाँ जी बनाई हाँ हुई जी, है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ओके जो मैम, जो हमारे कोर्स में, जैसे कि अभी आप आगे थोड़ा आएंगे तो बनी ठनी है, लैंडस्केप है, तो ओके कोर्स के अकॉर्डिंग ही हमारा सब कुछ चलता है। ओके ये किस टाइप ये बनी ठनी पेंटिंग है मैम, ये राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है, ओके राजस्थानी आर्ट के अंतर्गत आती है। जी मैम, वेरी नाइस। देखो बच्चों ने कितनी ज्यादा मेहनत की हुई हाँ है। जी, ये एचिंग वर्क है और ये ओके मॉडर्न आर्ट है, ओके मैम, एंड दिस ये इज प्रिंट मेकर है, और ये हमारा नॉर्मली जैसे होता है वाटर कलर आर्ट जो होती है, हमारी टेक्निक जो होती है टेम्पेरा, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। जी। प्रेरणा मैम प्लीज एक हाँ, बार ये बताइए। वर्क जैसे आप देख रहे हैं जिसमें खाली लाइन लाइन ड्रॉ हुई हुई है, जी ये लाइन वर्क्स के अकॉर्डिंग आता है। खाली इंस्पिरेशंस के द्वारा बनाया जाता है कि बच्चे ने कुछ भी देखा उसको अपनी फोटो में उतार दिया। नेक्स्ट ओके आप जैसे आप देख रहे हैं, आप मॉडर्न टेक्निक है। ओके मैम, एंड इट इज उसके बाद आप ये बर्ड वाला देख रहे हैं, ये भी इंस्पिरेशन आर्ट है। बच्चे ने कुछ ऐसा सीन देखा था उसको ही पेज पे डाला है कि पानी में बर्ड खेल रही है। नेक्स्ट ये हमारा जैसे मुगल आर्ट का सीन है, ये ओके मेनली हमारा मुगल आर्ट के अंतर्गत आता है। ये 12th क्लास के हाँ स्टूडेंट जी के मैम, द्वारा ही ये बनाई। 12th का ही सब कुछ है। ओके देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाई गई हैं, और ये सारी जो चीजें प्रिपेयर कराई गई है ये हमारी प्रेरणा मैम ने ही कराई है। ये जैसे आप और लैंडस्केप देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ कंपोजिशन को भी इफेक्ट करा है। ओके नेक्स्ट ये ओनली हमारा लाइन वर्क है। लाइन के अंदर हमने बच्चों को प्रिंट के द्वारा टेक्सचर्स देना सिखाया है। इसमें ओके एंड दिस इज ये हमारे स्टिल लाइफ के अंतर्गत आते हैं कि दो तीन हमने कोई भी चीज रखकर, फ्रूट्स रखकर, बास्केट रखकर, पीछे ड्रैपिंग कर हम कर्टेन की, उसके द्वारा हमने इसको शो करा है। नेक्स्ट हमारा ये मॉडर्न आर्ट के अंदर आता है, इसमें कुछ भी फेसेस क्लियर नहीं होते, फेसलेस पेंटिंग है ये। ओके एंड देखो कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है बच्चे और ने। ये हमारा ऑस्कर है, जी, जैसे तबेले में दिखाते हो उस तरह से इसको चौंक उसको कराया। शो किया गया है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं, आप जी उनको भी देख सकते हैं। ओके एंड लास्ट में ये हाँ, कृष्ण जी है ऊपर, आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट भी लगे हुए हैं। काफी बच्चों ने आपस में ही अपने एक दूसरे सिस्टर्स के फेसेस को ड्रॉ करने की कोशिश देखो करी। कितनी सुंदर है, वाकई ये बहुत राधा सुंदर रानी है है हमारी। जी। ये हमारी राधा रानी की पेंटिंग है दोस्तों। देखो बच्चों ने कितना कुछ किया हुआ है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, ये हमारे स्कूल थोड़ा सा मोदिनपुर एरिया में पड़ता है, तो जैसे आप सभी देख रहे हैं बच्चों ने थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ से अपनी जो जो एबिलिटी है वो निखारने की कोशिश करी, और इसमें पूरा सहयोग रहा है हमारी प्रेरणा मैम का। ये हमारी प्रेरणा मैम है, ये पेंटिंग की टीचर्स है और बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टीचर है और बच्चों को हर तरह से गाइडेंस करती है। इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियोज पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अवर चैनल को, और उसमें कमेंट्स कीजिए और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। सो प्लीज एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। सो थैंक यू सो मच।